पंजाब एक्साइज पॉलिसी विवादों में अकाली दल ने गवर्नर से ईडी और सीबीआई जांच मांगी। सुखबीर बोले 500 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर सियासी जंग तेज हो गई है। प्रधान सुखबीर बादल की अगुवाई में अकाली नेता आज गवर्नर बीएल पुरोहित से मिले। इस मुलाकात के बाद सुखबीर बादल ने कहा कि हमने गवर्नर से मिलकर रिक्वेस्ट की कि जैसे दिल्ली में एलजी ने शराब घोटाले की जांच कराई, सबूत मिलने पर सीबीआई ने केस दर्ज किया, जैसे वहां करोड़ों का घपला हुआ वही पंजाब में भी हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की जांच मांग की गई है। होलसेलर का प्रॉफिट 5% से बढ़ा 10% कर दिया गया। यह बढ़ा हुआ प्रॉफिट आपके खाते में गया, होलसेलर का प्रॉफिट क्यों बढ़ाया गया? पंजाब एक्साइज के फाइनेंशियल कमिश्नर और एक्साइज कमिश्नर दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर क्यों गए? इनकी मीटिंग दिल्ली में क्यों हुई? पंजाब में पहले 100 एलआई यानी इतने होलसेलर हो, सिर्फ एक ही आदमी क्यों दिया गया? दिल्ली और पंजाब की एक्साइज पॉलिसी एक ही टीम ने बनाई। जब दिल्ली में इसकी शिकायत हुई तो सरकार ने उसे कैंसिल कर दिया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।